एम एम के एंड यू आर वॉचिंग withmk। आज हम फिर से निकल पड़े हैं ट्रिप मीटर जीरो करके, थोड़ा नज़दीक आ गए हम उस प्लेस के। रास्ता ऐसा है तो फिर प्लेस तो क्या ही होगा। राइट साइड लेना है यहाँ से, रास्ते के बीच में कौन खड़ा है। हेलो यूट्यूब की जनता, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग withmk। आज हम फिर से निकल पड़े हैं ट्रिप मीटर जीरो करके कुछ अलग सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो हमारा व्लॉग होगा, अभी तक हमने जितने व्लॉग बनाए उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने ये जगह के बारे में सुना था और रिसर्च भी किया था थोड़ा। ये जगह कुछ अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर है और ये जगह के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो हॉन्टेड प्लेस है। हॉन्टेड मतलब थोड़ा हॉरिबल टाइप प्लेस है, इसलिए हमने सोचा कि हॉरिबल टाइप प्लेस पे एक्सप्लोर करना है तो हमें रात को ही निकलना पड़ेगा, तभी अच्छे से मज़ा आएगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और इस प्लेस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि और वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान आता जाता नहीं है, कुछ मूर्तिज है काम वहाँ पर, हम वहाँ पर जाएंगे देखेंगे और आपको भी कुछ बताएंगे। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। थोड़ा नज़दीक आ गए हम उस प्लेस के, फिर रास्ता ऐसा है तो फिर प्लेस तो क्या ही होगा। चलिए देखते हैं। हमारा सिग्नेचर फार्म का एंट्रेंस आप देख सकते हो कैसा है, अभी तो हम अंदर आए ही है और क्या है देखते हैं, लेट्स गो। दोस्तों अभी हम आ गए हैं फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है सिग्नेचर फार्म। हमने इस जगह के बारे में कहीं गूगल पे रिसर्च किया था और ये इस जगह को माना जाता है काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है। हम देखते हैं यहाँ पर, हम खास उसी चीज़ को देखने आए हैं और ये हॉन्टेड प्लेस है, इसलिए हमने सोचा कि रात को ही एक्सप्लोर करेंगे तो सही रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है आगे, लेट्स गो। यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सिग्नेचर फार्म की। यहाँ पर पहले एक लाफिंग बुद्धा का स्टेचू है और यहाँ पर एक सिपाही का स्टेचू साइड में रखा हुआ है और ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है। चलिए अंदर। क्या हुआ, आवाज़ आ रही है कुछ? ये है एक और स्टेचू, एक और स्कल्पचर, देखते हैं। ये कोई है सेना का सेनापति, इसकी मूर्ति यहाँ पर बनी है और ये लाफिंग बुद्धा का पीछे का भाग। मुझे लगता है नहीं इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी है। अच्छा, उसके पीछे एक और कुछ ऐसा गेट टाइप का कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है, दो स्तंभ है और कुछ नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से बाहर, और तो मुझे खास कुछ दिख नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर मूर्ति है, चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमें हॉरिबल टाइप का अभी तक तो कुछ लगा नहीं है। देखते हैं आगे और क्या क्या हमें मिलता है। और यहाँ पे और कुछ है, ये क्या है, ये क्या है। अच्छा तो भाई हम जैसे आ गया है, यहाँ पर एक और स्टेचू है, पता नहीं किस चीज़ का स्टेचू, आगे जाके देखते हैं। देख सकते हो स्टैचू। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि ये वाला जो प्लेस है दिन में खास फोटोग्राफी करने के लिए काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर लोग दिन में फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं और जितने लोग दिन में फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि यहाँ पर रात को काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल टाइप का प्लेस है, ये हॉन्टेड प्लेस है। हॉन्टेड प्लेस मानते तो है पर आज तक कभी इस चीज़ का प्रूफ मिला नहीं है कि यहाँ पे कुछ हॉरिबल टाइप का है या नहीं है। यहाँ पर बस ऐसा ही माना जाता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई लाइटिंग नहीं है और यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसे स्टैचू है, इसीलिए यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, उसी हिसाब से ये हॉन्टेड है और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं हम भी आगे क्या है क्या नहीं। और हम आगे आए तो यहाँ पर एक और स्टैचू बना हुआ है, एक ये वाला है, एक वो है और उसके पीछे एक और है। चलिए आगे।
तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, और चारों बाजू झाड़ी झाड़ी है और काफ़ी वीराना टाइप सन्नाटा है। यहाँ पर दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं है, खाली मैं हूँ और मेरे साथ और दो लोग आए हैं। आप देख सकते हैं ये रहे, ये हमारे धवल भाई और ये हमारे फैजान भाई, जो आज के व्लॉग में हमारे साथीदार बने गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर कुछ नया है, देखिए आप। वाव यार, दिल में एक्चुअल में सही प्लेस है भाई फोटोग्राफी करने के लिए। आप देख सकते हो, ये है स्टैच्यू, ये है स्टैच्यू सिग्नेचर फार्म का। यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करने के लिए काफ़ी आते हैं, और दिन में ये जितना खूबसूरत लगता है, मे बी रात को विदाउट एनी लाइट उससे ज़्यादा हॉरर लगता होगा। और बाकी और दो लोग भी हैं, फिर भी थोड़ा सा फील तो हो रहा है कि भाई यहाँ पे डरावना टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं, पूरा का पूरा सन्नाटा है। ये है सिग्नेचर फार्म, जो लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर मान्यता है कि ये हॉरिबल हॉन्टेड प्लेस है। अभी तक तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ये इसीलिए फेमस है, इसीलिए ज़्यादा हॉरिबल और हॉन्टेड टाइप का लगता है, क्योंकि यहाँ पर रात को किसी का आना जाना नहीं होता, और यहाँ पे कुछ ऐसे अजीब अजीब टाइप के स्टैचू बने हुए हैं। और बाकी जो हमारे दो साथी है वो आगे मेरी बाइक लेने गए हैं, और मैं यहाँ पर हूँ अभी अकेला। अभी हमारी बाइक थोड़ी दूर पड़ी हुई थी, तो भाई मैंने सोचा कि उन लोगों को बुला लूँ आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमको और थोड़ा आगे जाना है, और मुझे यहाँ पर हमारे बाइक को यहाँ पर अकेला छोड़ना मुझे सेफ नहीं लगा। इसलिए मैंने उन दोनों को बोल दिया कि भाई तुम लोग बाइक लेके आओ, मैं यहाँ पर अकेला शूट करता हूँ। ये है सिग्नेचर फेट नाइट, अभी रात के कुछ टाइम हुआ है, 2:40 हुई है अभी, और ये है सिग्नेचर फार्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें एक और चाइना गेट टाइप का स्टैचू देखने मिला है, और यहाँ पर गेट वेट बना हुआ है, और ओहो चीज़ तो है भाई यहाँ पर, अगर बंदा अकेला आएगा तो उसे हॉरर तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कैसे मूर्तियाँ बनाई है, और बीच में पता नहीं क्या है ये, और उसके एग्जैक्ट पीछे है ये बड़ा सा गेट, उसको चारों तरफ से देखते हैं। और ये मूर्ति का किसी ने हाल अहवाल बुरा कर दिया है, पता नहीं किसने किया है। और ये है लाफिंग बुद्धा, जो रात को काफ़ी हॉरिबल लग रहा है। भाई हमारे पास तो दो बाइक है, और उसका टॉर्च है और हमारा फोन का टॉर्च है, इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, पर जब रात में यहाँ पर दो बंदे अकेले आए गए तो भाई उसका डरना तो लाजमी है। देखो ये है लाफिंग बुद्धा, उसका चारों ओर से देखते हैं, और चारों बाजू और कुछ भी नहीं है, अले बीच में अकेला पुतला बनाया हुआ है, अकेला स्टैचू बनाया हुआ, पता नहीं किस लिए क्या रीज़न से बनाया है, फन है बनाया हुआ, देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है, लेट्स गो। ओह वाह भाई वाह, स्टैचू तो है मज़ेदार, और ये लाइट है तो अच्छा लग रहा है भाई। एक मिनट जरा लाइट ऑफ कर दो। ओके, तो ये है विदाउट एनी लाइट्स व्यू, ओनली फोन की टॉर्च पे हम देख रहे इसे, काफ़ी सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वाह भाई, गेट तो सही बनाया हुआ है, और यहाँ पर ऐसा एक और गेट है ये। तो भाई दिन में आप यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए आ सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्लेस है, काफ़ी अच्छा प्लेस है दिन में फोटोग्राफी के लिए। अगर रात को आपको थ्रिल का एक्सपीरियंस करना है तो आप आ सकते हो, अदरवाइज़ रात को यहाँ पर कुछ है नहीं वैसे इतना। चलिए आगे देखते हैं। पता नहीं, ये हमारे भाई को कुछ स्टैचू टाइप का लग रहा है तो हम अंदर जा रहे हैं, बाकी मुझे तो पता है कि यहाँ पर कोई इतना कुछ खास स्टैचू वाला है नहीं। हाँ भाई है, कुछ तो है, कुछ है, यू आर राइट ब्रो। ये भाई ये रास्ते के बीच में कौन खड़ा है इसे ऊपर। ओके, तो
यहाँ पर एक और स्टैचू है जो मुझे नहीं पता था, ये हमारे भाई ने बताया है कि भाई देखो यहाँ पर दूर से कुछ दिख रहा है, तो वो अंधेरे में दिख रहा था तो हम इसकी तरफ आ गए हैं। ये है स्टैचू, ये क्या है रेड रेड देख के, कपड़ा वाला पड़ा होगा भाई। ये है पूरा सा स्टैचू जो ऊपर से उसका आधा मुंह टूटा हुआ है, पता नहीं कहाँ गया। ये पूरा स्टैचू है, चलो इसको भी चारों ओर से देख लेते हैं। तो भाई सिग्नेचर फार्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही सब है, स्टैचूज है और रात को कोई आता जाता नहीं है और इतना खास है नहीं, तो पब्लिक मेरे ख्याल से इसीलिए यहाँ पर आने से रात को डरती है और इसीलिए हॉरिबल और हॉन्टेड प्लेस है क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैचू की तरफ। निकल गए हैं एक और स्कल्पचर, एक और स्टैचू की तरफ और यहाँ पे ये शेर की मूर्ति देखी ही नहीं। चलो भाई यहाँ से राइट साइड जाना है, देख सकते हो चारों ओर का आगे दीवाल है, मेरे ख्याल से यहाँ से राइट साइड बनना है। ओके ये रहा रास्ता, देखिए मिल गया रास्ता। मेरे को लगा कि गूगल हमें दीवार के पास ले आया क्योंकि, तो भाई हमने हमारा सिग्नेचर फार्म पूरा गोल घूम लिया, देख सकते हैं फिर से वही ड्रैगन वाले स्टैचू के पास आ गए हैं। फोटोग्राफी टाइम। तो भाई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमने गाड़ी मुड़ाई और गाड़ी के लाइट से एक स्टैचू पता चला कि देखो ये है, ये स्टैचू फ्रंट साइड से, ये स्टैचू को देखने के बाद तो मैं बोल ही सकता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई रात को आता है भाई तो गंदा वाला डरने वाला है विदाउट एनी लाइट को। और अरे वाह ये क्या है, अमित और वासु। तो गाइस यहाँ पर फिर से किसी आशिक ने यहाँ पर अपने दिल की बात यहाँ पर लिखी हुई है, दिल के जज्बात ये दीवार ये स्टैचू पे उतारे हुए हैं और अच्छे खासे स्टैचू को बिगाड़ दिया है। भाई आप ऐसी कोई जगह पे आओ तो जगह को संभालना सीखो। और उसके पीछे एक और स्टैचू है, चलिए हम ट्राई करते हैं उसका क्लोज लुक लेने की, थोड़ा अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, निकलते चलो अंदर। और तो बिल्कुल झाड़ी झाड़ी वाला है और कुछ खास आगे का व्यू आ नहीं रहा है, संभाल के जाना रहेगा अंदर। और तो क्या है भाई, थोड़ा देख ले पहले फिर अंदर घुसते, चलो कुछ नहीं है निकलो। ये है पूरा स्टैचू, आंटी कुछ सिर पे लेके खड़ी हुई है, ये पूरा स्टैचू है। और ये है पिरामिड वाला एंट्रेंस वाला स्टैचू। और तो कुछ नहीं है भाई, अगर और कुछ आपको दिखेगा तो श्योर से आपको बताता हूँ, चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, सिग्नेचर फार्म जो हमने एक्सप्लोर किया, जो यहाँ पर रूमर्स है काफ़ी सारे कि ये हॉन्टेड प्लेस है हॉन्टेड प्लेस है हॉन्टेड प्लेस है, हमने पूरा घूमा और आपको भी बताया। मुझे तो यहाँ पर कुछ हॉन्टेड जैसा लगा नहीं, अगर आपको दिखा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या लगा आपको हॉन्टेड यहाँ पर। और तो क्या, चलिए निकलते हैं, आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, लेट्स गो।